एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब लोग जानेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं। हर किसी को ये जानने में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें मिस करता है, कोई हमें याद करता है या नहीं, बट वो जानने का तरीका हर किसी के पास नहीं होता। तो आज के टैरोट रीडिंग के साथ हम जानेंगे कि क्या आपके स्पेशल पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, आपका लव इंटरेस्ट आपको मिस करता है या नहीं, या फिर आप जिस किसी के बारे में सोच रहे हो, आपको जानना है कि क्या पर्टिकुलर पर्सन आपको मिस करता है या नहीं, उसे जानेंगे इस टैरोट का ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर आपको, आपके सामने ये वीडियो पॉपअप हुआ है तो ऑब्वियसली आपको इसने वीडियो की जरूरत है। दैट्स व्हाई यूनिवर्स ने आपके वीडियो, आपको ये वीडियो दिखाया है। दिस इज अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग दोस्तों, सो देयर आर चांसेस किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, किसी के साथ ना करे। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि वी विल वर्क विद द एनर्जी जो हम सब लोगों के साथ रेजोनेट करती है, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग गाइज, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोज लाती रहती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियोज ऑन डेली बेसिस पोस्ट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले मैं अभी कार्ड शफल करना शुरू करती हूँ और पहला कार्ड निकलता है। उससे पहले आप आपके लव इंटरेस्ट को, आप जिस जानना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको याद करता है या नहीं, उनका चेहरा आपके मन में लेके आइए, उनका नाम देखिए, आप चैंट कर सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो और हम देखते हैं कि हमारा पहला कार्ड क्या आता है। द लवर्स, ओ माई गॉड, मतलब फर्स्ट कार्ड इज लवर्स। ऑब्वियसली वो आपको याद करते हैं, अभी देखते हैं कि कितना याद करते हैं, क्योंकि मतलब ये कार्ड आया है तो ऑब्वियसली मतलब आपका जो लव इंटरेस्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग चल रहा है। सेकेंड कार्ड इज, ओ माई गॉड, दिस इज अ पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज्यादा एक्टिव है आपका प्यार मतलब फरमान चल रहा है, सातवें आसमान पे है। ओ माई गॉड, ऑब्वियसली दे मिस यू अ लॉट, आप मतलब इतना मिस करते हैं कि पूरी दुनिया छोड़ छाड़ के आपके पास आने के लिए तैयार है, बस आपकी एक आवाज़ के ऊपर, इतना वो आपको याद कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मायूस है उनके पास, यू नो, दुनिया की हर खुशी भी उनको दे दो ना, उनको कम पड़ेगी। वो बहुत मायूस है क्योंकि आप उनके पास अभी के लिए नहीं हो, या फिर मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू नो, मतलब दुनिया की अगर हर खुशी तुम्हारे पास है, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसे आप याद करते हो वो आपके पास नहीं है, उसकी याद कर करके आप आहे भर रहे हो। एज आई सेड, दैट पर्सन मतलब थोड़े से मायूस है, उदास है, उनके पास दुनिया की हर चीज़ है। एज आई सेड, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, बट स्टिल दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उदास है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वो मतलब किस तरीके का प्यार आपसे करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक पेज ऑफ सॉर्ड्स, एज आई सेड दैट पर्सन इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, अच्छे पर्सन है वो, बस आपके प्यार में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं और मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि मतलब आपके पास आया कैसे जाए। दैट पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे कॉल या टेक्स्ट, उनको समझ नहीं रहा कि मतलब वो किस तरीके से जताए कि उनको, आपको पता चले कि वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जब कोई इतना बेतहाशा किसी के साथ प्यार करता है तो चीज़ें एक्सप्रेस करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है या डिफ़िकल्ट हो जाती है, या फिर मतलब चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है और फिर हम चीज़ें समझना थोड़ा छोड़ देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। तो बट प्लीज़ आप इस पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि ऐसा प्यार हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट कार्ड शफल करती हूँ, नेक्स्ट डेक शफल करती हूँ, देखते हैं एंजल्स क्या आंसर देते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वो चाहते हैं कि आपके बारे में उनको पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्वियसली अगर कोई मिस कर रहा है तो उनको चाहिए होगा कि आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कहीं बाहर घूम रहे हो, किसी और के साथ जा रहे हो, उनको बस जानना है आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आता है फॉरगिवनेस, ठीक है। वो मतलब जब आपको याद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भूली बिसरी जिंदगी, पिछली बातें याद कर रहे हैं, उनको लग रहा होता है कि हमेशा किसी ना किसी गलती वो कर देते हैं और आप उनको माफ़ कर देते हैं। तो मतलब आपकी अच्छाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और फिर मतलब अभी पिछली बातें याद कर करके वो खुद का मन दुखा के ले रहे हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा निराश होते जा रहे हैं, ठीक है।
कम्युनिकेट क्लियरली एंड बिग हैप्पी चेंजेस, दो कार्ड एक साथ आए हैं, वो बस आपके साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, आप थोड़ी सी भी उनसे बात कर लो ना, टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कर दो उनको या फिर मतलब कॉल पे बात कर लो दो मिनट के लिए ही सही, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी दुनिया मतलब सातवें आसमान पे रहती है। इस तरीके से मतलब छोटे बच्चों को जैसे लॉलीपॉप मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, उसी तरीके से उनकी हालत हो जाती है आपको देख के, आपकी आवाज़ सुन के, आपका टेक्स्ट मैसेज देख के, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट इज़ लाइक टेक एक्शन, अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको पता चले कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते, आप बस उनको एक मैसेज करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मतलब, या फिर आपका फ़ोन चेक कीजिए, देर आर चांसेस कि मैसेज आया हुआ हो उनका, यू जस्ट टेक अ एक्शन फ्रॉम यूर एंड कि पता करने के लिए कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, आई एम 100% श्योर। इस तरीके का प्यार मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देता है दोस्तों, ठीक है। मैं भी लास्ट डेक शफल कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। फर्स्ट कार्ड द एवर अनफोल्डिंग रोज, अगेन रोज, सो मतलब उनके जैसे मैंने बोला था, वो अतीत की यादों में खोए हुए हैं, एक 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 लेयर ओपन करते जा रहे हैं, कब मिले थे, कैसे मिले थे, क्या खाया था, क्या पिया था साथ में, कहाँ घूमने गए थे, ये सारी यादों में वो बस डूबे हुए हैं और मतलब खुद की ही इसमें है वो, लाइक करंटली दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको पता ही नहीं। एज आई सेड स्टार सीड, व्हाट्स लाइट अप टू यू, मतलब बस आपका ही थॉट है, आपका ही ख्याल है जो उनको पूरा जिंदा करता है, नहीं तो वो मायूस बैठे हैं अभी कि मतलब आपको मिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक कोने में बैठे हैं कहीं पे, मतलब उनको आना नहीं, जाना नहीं, दुनिया से लेना नहीं, दुनिया को बस दूर से देख रहे हैं क्योंकि आप अभी उनके पास हो नहीं। That is a very beautiful, oh my God. And there is an inner temple, devotion tuned into, like that person has purely devoted his life or her life to you. So that is a great thing, guys. मतलब ऐसा प्यार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना कोई किसी को मिस करे, दैट इज़ अ वेरी प्योर हार्ट की निशानी है, यू नो, हार्ट से हार्ट का कनेक्शन जब होता है तभी ये सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट इज अलाइन योर लाइफ, एज आई सेड दैट पर्सन जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू, वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, तो मतलब आपकी लाइफ पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ चुकी है, उनकी आपके साथ जुड़ चुकी है, इसी वजह से यही कारण है कि वो आपको इतना मिस करते हैं, इतना याद कर रहे हैं और आपके प्यार में पागल है। ऑब्वियसली बाउंड्रीज का कार्ड आया है, देर आर नो लिमिट्स फॉर अ लव, एवरी वन, हर किसी को ये बात पता है, बट दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं ना जो मतलब खुद के बाउंड्रीज में रह के काम करना पसंद नहीं करते, दूसरों के इसमें ताक झाक करते हैं, नोक झोंक करते हैं, तो किसी ने आपके प्यार के रिगार्डिंग उनको कुछ बोल दिया तो वो बात उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती है, सहन नहीं होती उनको ये बात, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, हमेशा उनके साथ टच में रहिए। अगर वो आपको ज़्यादा मिस कर रहे है तो एक बार कॉल टेक्स्ट कर लीजिएगा या फिर किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर दीजिएगा, नहीं तो मतलब वो अंदर ही अंदर खुद के मन में घुटते जाएगी, उनका मन उनको खाते चला जाएगा। सो ये रीडिंग तो यही बता रही है कि वो आपको बेतहाशा प्यार करते हैं और अभी आपको हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा इस रीडिंग के साथ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पक्का बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।